एवरीवन, आज ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, ना दाल, ना चावल, ना रोटी, ना सब्जी, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। अजीब सा मन हो रखा है। और यहाँ आज ना इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही ना कि क्या ही बताएं। तो ऐसे में मेरा दिमाग चला कि चलो आज हम बनाते हैं दाल वाली पिठी। जी हाँ दोस्तों, जब भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है और लगता है कुछ थोड़ा सा हल्का सा चटपटा खा लूँ, तो मैं ना दाल वाली पिट्ठी ही बनाती हूँ। मंथ में 2 बार बना ही लेती हूँ, कभी 3 बार भी हो जाता है, क्योंकि मुझे पसंद है दाल वाली पिट्ठी और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और कभी कुछ कुछ हल्का फुल्का खाने का चटपटा मन करता है तो मैं दाल वाली पिट्ठी पर आ जाती हूँ। सिंपल सा खाना हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे घर में सब खा ही लेते हैं। ना भी पसंद होता है तो फिर भी खा लेते हैं, कि अब मैं दोबारा कुछ बनाने वाली तो हूँ नहीं। आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इतना तेज़ बारिश है ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस कुछ यही मन किया कि आज चलो कुछ चटपटा खाते हैं, हल्का सा कुछ खाते हैं, चटपटा भी रहे, हल्का भी रहे और टेस्टी भी रहे। तो मैंने बना लिया क्या दाल वाली पिट्ठी। तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अब इसमें क्या है वैसे वीडियो बनाने का, अब ये दाल वाली पिट्ठी कौन नहीं जानता। तो हाँ आई नो, सब जानते हैं, सब जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोगों तो ये भी पता नहीं होता कि दाल कैसे बनाया जाए। क्या मैंने झूठ बोला? नहीं ना, बिल्कुल सही बोली। तो अगर आपकी आपको फुल रेसिपी देखनी है तो कमेंट कीजिएगा, लेके आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और चाव से खाती हूँ।